नैनीताल के मल्लीताल स्थित न्यू क्लब में ऑन द स्पॉट चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें नगर के विभिन्न स्कूलों के लगभग 200 स्कूली छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ पूर्व सांसद महेंद्र पाल ने किया, जिसमें बच्चों ने पेंटिंग पेपर पर उत्तराखंड की संस्कृति से जुड़े तीज त्योहारों के चित्र उतारे। इस दौरान चित्रकला प्रतियोगिता के आयोजन राजीव लोचन शाह ने कहा कि बच्चों में अपनी संस्कृति के प्रति लगाव देखकर सभी लोग काफी उत्साहित हैं और इस तरह की प्रतियोगिता से बच्चों को अपनी संस्कृति से जुड़े रहने और उससे जानने का भी अवसर मिलता है। नैनीताल से तेज सिंह की रिपोर्ट। तीन विषय नहीं होता है कि जो उसमें बनाया उसको अपने अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा मौका मिलता है। और आप देख रहे होंगे ये बच्चे कितने शौक से, करीब करीब 2 घंटे इनको हो गए हैं, 15 मिनट अभी और बचे हुए हैं, बहुत शौक से ये जो है बना रहे हैं। तो ये बच्चों को बहुत अच्छा इससे मौका मिलता है, इनकी प्रतिभा खुलती है और भविष्य में इनमें से बहुत सारे अच्छे पेंटर्स होंगे, अच्छे बच्चे निकलेंगे, यही हम कामना करें। मैं बना रही हूँ 50 साल बाद की दुनिया, और जो ये कंपटीशन हो रहा है, इस कंपटीशन से जो लड़कियां हैं या फिर जो बच्चे हैं उनको ये सीखने को मिलता है कि वो किस तरह मतलब अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकाल सकते हैं। और ये कंपटीशन इसलिए भी बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि इनसे बच्चों को आपस में मिलजुलने का, साथ में जैसे हम बैठ के कर रहे हैं पेंटिंग, तो हमें एक साथ कैसे रहा जा सकता है या फिर कैसे मतलब एक दूसरे के साथ अच्छे से हंस खेल के, ये सब चीज़ भी सीखने को मिलती है। और साथ ही साथ कॉम्पिटिशन में पार्ट लेने के बाद हमें पहले तो ये सीखने को मिलता है कि किस तरह हम कॉम्पिटिशन में रहेंगे, कि पेंटिंग अपने आप में ही एक बहुत कहते हैं महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि जब पेंटिंग करते हैं ना, जितनी चीज़ें हम शब्दों में नहीं बता पाते हैं ना, वो चीज़ें पेंटिंग अपने आप में आसानी से बता देती है। अब जैसे अगर हम 50 साल की बात दुनिया बता रहे हैं, तो 50 साल की बात की दुनिया में हमें ये चीज़ करनी है कि कैसे हम अपने पर्यावरण को बचाए रखें। अगर पेड़ रहेंगे तभी लोग रहेंगे,